नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। यह अचानक नहीं हुआ, इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुनिया के दो बड़े दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं, लेकिन यह असंभव सा लगने वाला काम कैसे संभव हुआ, ये सोचने वाली बात है। सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात से दुनिया के बाकी देश, खासतौर से भारत पर क्या इसका असर होगा। इन सारे सवालों का आज हम जवाब तलाशेंगे अपने खास प्रोग्राम आज का मुद्दा में। उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी कभी मुलाकात भी हो पाएगी, क्योंकि 65 साल में 12 अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के मसले पर नाकाम रह चुके हैं। लेकिन उत्तर कोरिया अमेरिका के लिए नासूर बन गया था। हालांकि सिंगापुर समिट की 6 महीने से कोशिशें हो रही थीं। बीच बीच में कई बार ऐसा लगा कि दोनों नेता शायद ही आमने सामने आए। इस दौरान किम हमेशा बातचीत पर जोर देते रहे, जबकि ट्रंप ने एक मीटिंग रद्द करने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन 71 साल के डोनाल्ड ट्रंप और 34 साल के किम जोंग उनके बीच आखिरकार मुलाकात हो ही गई। इस ऐतिहासिक मुलाकात से दुनिया ने राहत की सांस ली। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक समस्या का हल हो गया। इसके लिए मैं किम को धन्यवाद देता हूं। वो बहुत कठिन समय था, क्योंकि लगातार दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे थे हमला करने की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि परमाणु जो आपने संयंत्र लगाया है उसको आप खत्म कीजिए, तो दूसरी तरफ किम जोंग उन कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, अपनी सुरक्षा को लेकर हम सब कुछ कर रहे हैं। अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे, जो मुलाकात हुई है उसके बाद एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ये बैठक के बाद निकल कर आ रहा है। ट्रंप ने करीब 90 मिनट की बातचीत में किम को पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रमों पर रोक के लिए राजी कर लिया है। जो बातचीत हुई है उसमें मुख्य जो बिंदु था वो परमाणु कार्यक्रम, जो उत्तर कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से खटास पड़ी थी। अब वो कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम उत्तर कोरिया बंद कर देगा। इसमें दोनों नेताओं के बीच 38 मिनट की निजी बातचीत भी शामिल है। एटमी हथियार को खत्म करने की प्रक्रिया पर जल्द काम शुरू होगा। बदले में अमेरिका ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिया कि आपको किसी तरह के डर होने की जरूरत नहीं आपके दिल में कि आपके ऊपर कोई हमला कर देगा, आपके ऊपर दबाव बनाएगा या आपको डराने की कोशिश करेगा। हम पूरी तरह से भरोसा देते हैं, कभी भी संकट का वक्त आएगा हम आपके साथ खड़े, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। दोनों नेताओं ने एक करार पर हस्ताक्षर भी किए। इस तरह अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पिछले 65 साल जो बातचीत बंद हुई वो फिर से शुरू हो गई। आपको बता दें कि साल 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट से लेकर बराक, साल 2016 में ओबामा तक 11 अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया का मसला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात बनती कहीं दिखाई नहीं दी थी। वैसे अमेरिका के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के बाद किम ने कहा कि दुनिया एक बड़े बदलाव को देखेगी, हमने अतीत को छोड़ने का फैसला किया है। वो सब कुछ पीछे छोड़कर आए, किम ने कहा कि वो नई शुरुआत कर रहे हैं। और इसके साथ ही कई सवाल भी पत्रकारों ने ट्रंप से पूछे। ट्रंप से कहा कि आप उत्तर कोरिया को खत्म करने की बात करते हैं, अब क्या आपका नजरिया बदल गया? आप कहते थे कि उत्तर कोरिया दुनिया भर के लिए खतरा है, तो क्या खतरा टल गया? आपने कहा था कि उत्तर कोरिया के अंदर लोगों की हालत, लोगों के जीवन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उनको यातनाएं दी जाती हैं, उनको बुनियादी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो क्या आप सब कुछ ठीक हो गया? इसके जवाब में कहा ट्रंप ने कि उन्हीं हालातों को ठीक करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बड़ा बदलाव क्या होगा? सवाल यह है कि क्या इस बड़े बदलाव का असर भारत पर भी पड़ेगा? आखिर ट्रंप और किम की मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे अपने खास प्रोग्राम में।
तो लगता नहीं था कि दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो सकती है और इस तरह से सकारात्मक होगी। दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी थी, तभी तो 3000 से ज्यादा पत्रकार इस वार्ता को देखने के लिए गए थे। दुनिया भर का इसके ऊपर असर पड़ता, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती, दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, तो फिर काफ़ी कयामत होती दुनिया के लिए, लाखों लोगों की इसमें मौत हो सकती थी। लेकिन वो खतरा टल गया है। तो क्या अब दो दुश्मन दोस्त बन गए? सिंगापुर समिट की 6 महीने से ये पहल चल रही थी, ट्रंप और किम की मुलाकात। कई बार ऐसा लगा कि दोनों नेता शायद ही कभी मिल पाएंगे। इस दौरान किम हमेशा बातचीत पर जोर देते रहे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अभी हालात ठीक नहीं है, आप अपनी शर्तों पर मीटिंग नहीं कर सकते। ट्रंप ने एक बार मीटिंग रद्द भी कर दी थी, काफी दिनों से कोशिश हो रही थी। उत्तर कोरिया 33 साल में 89 मिसाइल और 6 परमाणु टेस्ट किम पहले ही कर चुके हैं। यही वजह थी कि दोनों देशों में नाराजगी। ट्रंप ने बातचीत में किम को पूर्ण परमाणु बंदी की बात कही है कि आप परमाणु कार्यक्रम को बंद करिए, दुनिया के लिए खतरा है, एटमी हथियार को खत्म करने की प्रक्रिया पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने भरोसा भी दे दिया है। बदले में अमरीका ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा का भरोसा दे दिया। उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात है। उसके बाद दोनों नेता जब मुलाकात हुई, होटल के बाहर निकले, दोनों के चेहरे पर हंसी थी, खुशी थी। इससे साफ लग रहा था कि सकारात्मक बैठक हुई है, क्योंकि दुनिया के लिए अगर दोनों देश लड़ते, अगर लड़ाई होती, अगर जंग होती, तो फिर बड़ा खतरा पैदा होता। दोनों देश परमाणु लैस हैं। किम जोंग लगातार परीक्षण कर रहे थे। अब परमाणु परीक्षण को लेकर ही अमेरिका और उत्तर कोरिया में और भी ज़्यादा ठन गई। लेकिन जिस तरह से किम जोंग उनका जो रवैया था, उससे नहीं लग रहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो धमकी लगातार उत्तर कोरिया को दे रहे थे, लग नहीं रहा था कि एक पटल पर आकर बातचीत भी कर पाएंगे। लेकिन अब क्या कुछ बदलेगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध टल चुका? क्या ट्रंप की वजह से या किम जोंग की वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था? क्या अब वो खतरा टल चुका है? इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। AK मिश्रा जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। CM पपने जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। AK मिश्रा जी, किस तरह से दोनों नेताओं की मुलाकात को आप देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये जो उत्तर कोरिया है, जब ये जापान से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार ये जब आज़ाद हुआ था, अमेरिका और उत्तर कोरिया की दोनों का हिस्ट्री देखें तो एक बार ये वॉर हुआ था, लगभग 3 साल तक चला था उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच। 2 गुट थे, उत्तर कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे चाइना, USSR, और कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से मेडिकल रिलीफ वगैरह इंडिया और दूसरे कंट्रीज से भी उनको गई थी। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की, मतलब मेजरली अगर ये देखा जाए तो ये उत्तर कोरिया में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जो USA की जो आर्मी थी और उनके जो मतलब उनके और जो दोस्त मित्र देशों की जो आर्मी थी। तब से इनका ये फ्रिक्शन शुरू होता है और तब से लेके अब तक ये चीज़ें, इनके बीच रिलेशन बन नहीं पाया। उत्तर कोरिया ने जो वार की दुर्दशा उस वक्त देखी थी, अपने देश के नागरिकों की मौत देखी थी, तब से उसको, देखिए ये किसी भी देश के साथ हो सकता है, उसको अपनी सिक्योरिटी की चिंता हुई। और डेफिनेटली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी, वे में भी देखा जाए तो पूरा विश्व 2 धड़े में बटा हुआ था। अमेरिका को इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त डाउट था या एक फियर फैक्टर था कि USSR और ये जो दूसरे देश है, चाइना वगैरह, जो उत्तर कोरिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं कम्युनिज्म जो है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से सब जगह फैल ना जाए। इसी चीज़ को रोकने के लिए कोरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो उत्तर कोरिया ने लगातार अपनी सैनिक क्षमता ये बढ़ाते गए और उस लेवल तक बढ़ाते गए, जब आज इनको ये लग रहा है कि भाई हम एटलीस्ट अगर कोई भी अटैक होता है, चाहे अमेरिका या किसी और का, तो अपनी जो है एक डिटरेंस इन्होंने डेवलप कर ली है, चाहे वो एटॉमिक हथियार हो। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 4 महीने, 6 महीने या साल, 2 साल पहले तक जो है
उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग, वो क्यों नहीं रुके? आज उनके दिमाग में पीसफुल ये एक्टिविटी क्यों आई? सेम कंडीशन अमेरिका की भी है। क्या पता उनको भी लगता हो कि नुकसान बहुत ज्यादा होगा अगर जंग होगी तो उत्तर कोरिया को भी बड़ा नुकसान होगा। थर्ड वार वगैरह नहीं होगा, बहुत ज्यादा मजबूत देश है। कोई थर्ड वार नहीं होगा, उसका रीजन है, देखिए अमेरिका हमेशा उन कंट्रीज पे आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार अटैक करता है जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज है, कमजोर है। जी अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं, उत्तर कोरिया को यह भी दिख रहा था कि गलती ज्यादातर उसकी दिखाई दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कमजोर किया जा रहा है, राजनीतिक दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो अकेला पड़ जाएगा। नहीं देखिए, उत्तर कोरिया के साथ आप 40-50 साल पहले भी देखे तो कौन से देश थे? ये आइडियोलॉजी की इनकी फ्रेंडशिप है, केवल यूएसएसआर रशिया उस वक्त खड़ा था, आज भी खड़ा है, और चाइना भी खड़ा है, एक दो देश और होंगे। तो ये जो लॉबिंग है ये शुरू से है। देखिए पर्पज यहाँ पे ये है, एक लेवल तक पहुंच जाने के बाद उत्तर कोरिया ने भी अब ये सोचा कि ये टेंस, देखिए लॉबिंग जो अमेरिका की लॉबी है वो डेफिनेटली बहुत डोमिनेटिंग है, इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह ये इतने ज्यादा वो कर देते हैं कि वहां पे जिंदगी लगभग दूभर हो जाती है। अपना एक बेसिक मिनिमम डिटरेंस डेवलप कर लेने के बाद पीसफुल जो है कोई कंप्रोमाइज करना, कोई मीटिंग करना, उत्तर कोरिया ने भी सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए जो बातें हुई हैं वो ये नहीं हुई है बातें कि उत्तर कोरिया ने जितना भी अपना न्यूक्लियर आर्म्स और एम्युनिशन जो डेवलप किया है उसको नष्ट कर देगा। बातें बड़ी हॉचपॉच है। देखिए ट्रंप ने क्या बोला कि जितना भी इनका परमाणु प्रसार का जो कार्यक्रम है वो आगे रोक देंगे, आगे नहीं बनाएंगे। नहीं, तो ये क्या है, जहां पे है स्टॉप। ट्रंप ने कहा कि जब ट्रंप से जब पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देंगे, तो ट्रंप ने कहा एके मिश्रा जी कि हम कम से कम उस दिशा में जो संबंध बने हैं, जो संधि बनी है, उसमें वो आगे बढ़ेंगे। देखिए परमाणु, ये दो चीजें हैं आसिफ, मैं आपको बताऊं। परमाणु कार्यक्रम खत्म करने का मतलब एक होता है परमाणु निरस्त्रीकरण, कि आपके पास जितने भी एटॉमिक हथियार पड़े हैं आप उनको बेकार कर दीजिए, यूजलेस कर दीजिए। वो चीज तो होना नहीं है, वो चीज कोई कंट्री नहीं करेगी, उत्तर कोरिया भी नहीं करेगी जो मुझे लगता है। आगे का कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक है, आगे डेवलपमेंट नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि पास्ट में उत्तर कोरिया ने एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये मिसाइल, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, सारी चीजें टेस्ट करके रख ली है, वो टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे थी, देखिए डायरेक्ट वॉर को चाहे अमेरिका भी हो, स्पेशली अगर कोई नेशन एटॉमिक हथियार से वो सुसज्जित है, तो अब अमेरिका ने जितने भी वॉर लड़े हैं आप रेशियो देख लो, अफगानिस्तान से लड़ा, उनके कैंप्रिजन में मतलब ये जो मतलब आतंकवाद वगैरह से, इराक से लड़ना, सीरिया से लड़ना, आप पावर का जो है एक बैलेंस चेक करिए, अमेरिका के कंपैरिजन में ये कंट्रीज कुछ भी नहीं थे मिलिट्री पावर के मामले में। लेकिन उत्तर कोरिया अगर देखा जाए, एक कंट्रीज ठीक है अमेरिका से उत्तर कोरिया ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि बहुत कुछ नुकसान अगर उसके पास एटॉमिक हथियार और इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो वो अमेरिका या उसके मित्र देशों को जो बगल में साउथ कोरिया है पहुंचा सकता है। तो एक देखिए, ये ट्रंप भी अगर आप बात करने के लिए राजी हुए तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि जो एक न्यूक्लियर डिटरेंस इन्होंने डेवलप किया था। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, अमेरिका के राष्ट्रपति इराक के साथ क्यों नहीं बात करने को रेडी हुए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिटरेंस नहीं था वहां पे। बिल्कुल ठीक कह रहा है, यानी कि जो परमाणु हथियार है वही बातचीत के रास्ते पर पटल पर लाने के लिए उन्होंने मजबूर किया, मतलब वही खतरा थे और वही ताकत है। युद्ध के भय से ये शांति का प्रस्ताव पारित हुआ है। हां बिल्कुल। सीएम पपने जी, क्या आपको लग रहा था जिस तरह से दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे, क्या आपको लग रहा था, और पिछला इतिहास देख ले अगर उत्तर कोरिया और फिर अमेरिका का, क्या बातचीत के लिए एक पटल पर आ जाएंगे, आपको लग रहा था ऐसा? जिस तरीके से पूरा मीडिया के अंदर जो अपना प्रसारित किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा एक्चुअली से डिफर करता हूँ। दरअसल है क्या कि 1994 में वहाँ पर जिमी कार्टर ने एक्चुअली जो है अपना वहाँ पर अपने एक पहल की थी, और जिमी कार्टर ने वहाँ के जो अपना राष्ट्रपति थे किम इल संग, मैं भी 1988 में मैंने उत्तर कोरिया का दौरा किया था, तो ये बात 1994 की मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ दौरा किया था, उसके बाद कुछ मुद्दों पे जो है बातचीत हुई थी और सहमति में बन गई थी। और 2002 में उसके बाद क्या हुआ, क्या कि 1994 के बाद किम इल संग की जो अपना डेथ हो गई थी, और उसके बाद फिर 2002 में जो है फिर ये जो जितना भी मामले इनके अपने अपना समझौते हुए थे वो अपने ब्रेक हो गए है, क्या कि उसके बाद धीरे धीरे करके भी 2000 में जो है बिल क्लिंटन ने जो अपने अपने यूएस सेक्रेटरी को जो नॉर्थ कोरिया भेजा था, और नॉर्थ कोरिया भेजने के बाद जो है ये था कि अपने सीएम पपने जी माफी के साथ, सीएम पपने जी माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, ब्रेक के बाद मैं फिर से डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनकी जो मुलाकात हुई क्या कुछ उसके मायने हैं। सीएम पपने जी,
क्वार्टर में इसने पहल की थी, उसके बाद जो किमुन सिंह की जो उनके पहले राष्ट्रपति थे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो दो जो उनका उस बीच में समझौते हुए थे 2002 में ब्रेक हो गए थे। उसके बाद जो है 2000 में जो बिल क्लिंटन ने अपने यूएस सेक्रेटरी को वहां भेजा नॉर्थ कोरिया, और ये तय हुआ कि जो है फिर दोबारा से इन लोगों की मुलाकात होकर कुछ अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वहां के राष्ट्रपति बन गया 2001 में, और उसके बाद वो मुद्दा जो है खटाई में पड़ गया। और है क्या कि धीरे धीरे करके एक्चुअली जो वहाँ जो अपना ये पूरा एक माजा पूरा उठा है, ये 2011-2017 के बीच में जो परमाणु अपना जिस तरीके से वहाँ पर अपना पूरा मतलब एक हथियारों का जखीरा खड़ा कर दिया गया, जैसे बात किया वहाँ से एक चिंता का विषय जो है ये उभरना शुरू हुआ। और है क्या कि जब धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया ने इस पर अपना कदम बढ़ाना शुरू किया, तो कई और देशों ने भी वहाँ से अपने जो उनकी अपने जो उनको रियायतें दे रहे थे, जो उनको मदद कर रहे थे, वो भी उन्होंने बंद कर दी थी। तो है क्या कि नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे इन चीजों फंसा, और इस बीच में जब ये से अपना हमारे अपना ट्रंप यहाँ पर अपना राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्होंने आते ही अपना सत्ता संभालते ही जो है नॉर्थ कोरिया को चैलेंज कर दिया। बिल्कुल अमित जी, क्या उत्तर कोरिया को भी लग रहा था कि उसके आगे भी बड़ा खतरा है और वो खतरे को भांप रहे थे, क्या इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुलाकात कर लें शायद बेहतर है, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकते हैं अगर युद्ध हुआ लड़ाई हुई? देखिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, जीता वो भी हारा, दोनों ही हारा तो हारा ही, ये दोनों ही लोग जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के एक बड़े कारोबारी समूह के मुखिया हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि जो उत्तरी कोरिया है उसके साथ युद्ध उनके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तरी कोरिया भी ये जानता था कि आर्थिक प्रतिबंध लगातार झेलते रहने के कारण उनकी जो स्थिति है, उसके जो देश के नागरिकों की स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मजबूरी सुरक्षा की चिंता की थी, सुरक्षा को लेकर के उन्होंने लगातार अपने तमाम जो हथियारों का भंडार था उसका पूरी व्यवस्था की, जिसकी वजह से आज नौबत ऐसी आ गई, दोनों नेताओं को एक दूसरे को हमले की धमकियां देनी पड़ी, दोनों देशों की जो सेनाएं थी उनको सतर्क हो जाना पड़ा, और दोनों ने एक दूसरे को परमाणु से उड़ा देने की भी धमकी दी। तो हालात इतने विकट हो गए कि दोनों को ही नुकसान का सौदा ये नज़र आने लगा, और अंततः दोनों की पॉलिसी ये थी कि बातचीत की मेज पर इसे सुलझा लिया जाए। लेकिन लग नहीं रहा था अमित कितने आसान से एक पटल पे आएंगे, बातचीत करेंगे, जिस तरह से बयानबाजी दोनों कर रहे थे। दोनों की मजबूरी थी, दोनों के लिए ही युद्ध अंतिम विकल्प था, नुकसान का सौदा था। एक तरफ किम जो कि एक उभरते हुए तानाशाह के रूप में दुनिया उनको देख रही थी, और वो लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहे थे, उनके साथ चाइना रूस जैसे जो कम्युनिस्ट देश हैं वो उनके साथ लगातार खड़े हुए थे। दूसरी तरफ अमेरिका, वो ये नहीं चाहता था कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो उनके मित्र देशों में जिनकी गिनती नहीं है वो लगातार एक हों। जापान भी कहीं ना कहीं उत्तरी कोरिया के साथ खड़ा दिख रहा था, तो अमेरिका भी ये चाहता था कि इस समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से जल्दी से जल्दी हो जाए। वहीं उत्तरी कोरिया भी ये चाहता था कि अब ऐसा वक्त है कि अब बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी अनुकूल नहीं हैं कि वो अपने नागरिकों को या वो अपने मित्र देशों को अपने से अलग कर दे, उसके लिए भी बातचीत की मेज पर आना बहुत जरूरी है। एके मिश्रा जी, दोनों हालतों में नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता अगर किम जोंग उनको नहीं रोका जाता परमाणु कार्यक्रम लगातार आगे जो बन रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। दूसरा, अगर युद्ध के हालात होते, दोनों हालातों में जो है इन दोनों देशों का ही नुकसान नहीं होता, पूरी दुनिया का कहां का नुकसान होता, किस किस देश का नुकसान होता, क्या हालात होते, क्या पर्यावरण होते, किस तरह का युद्ध होता, ये दोनों देशों के लिए नहीं दुनिया के लिए एक बड़ा सकारात्मक रहा है। आसिफ देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप ये देखिए अमेरिका युद्ध कहां करता है और किसके साथ करता है, और खुली आंखों से जो नंगा सच है आप ये देखो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन शुरू से हिस्टोरिकल और आज जो रहा है वो रशिया रहा है, और कई मौकों पर इन दोनों की सेनाएं आमने सामने रही है, सीरिया में भी दोनों यही फाइट कर रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका रशिया से युद्ध क्यों नहीं करता है? तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो एक परिकल्पना मीडिया के थ्रू चाहे अमेरिकन मीडिया या कहीं से भी हो रही थी, वो इतना आसान जो है वो नहीं है। इतने जल्दी अमेरिका या कोई भी जो है एटॉमिक वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर को वो शुरू करना जो है इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं चाहता है। सवाल यहाँ पे है अमेरिका के कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अमेरिका का देखिए अल्टीमेट टारगेट क्या है, मैं आपको बताऊं, बहुत पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें अमेरिकन लोगों ने यह बोला था, वहां के जो नीति नियंता है जो नीतियां बनाते हैं, कि वी आर नॉट फाइटिंग और स्ट्रगलिंग फॉर डेवलपमेंट, वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग फाइटिंग टू मेंटेन आवर स्टेटस को, मतलब जो हमारी सुविधा है, लाइफ स्टाइल है, हम उसको मेंटेन करने के लिए फाइट कर रहे हैं। और अमेरिका हर उस जगह पे अपने कदम जो है
पढ़ाता है या एक्शन लेता है जहां पे उसका इकोनॉमिक, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल बेनिफिट या हित किसी न किसी तरीके से नुकसान देता है। ये सारी की सारी दो खेमों की ये लड़ाई थी। अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म फैल रहा है, चाइना और रसिया ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे थे, और एक लेवल पे पहुंचने के बाद अमेरिका को लगा कि अगर बिना लड़े हुए, देखिए अमेरिका भी लगातार जंगों में उलझा हुआ है, वहां की पब्लिक भी इतना सपोर्ट अभी नहीं कर पा रही है, और लगातार आप जंगों में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपकी इकोनॉमी को लॉस होगा। हर वक्त कोई जंग नहीं चाहता है, तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि भाई अगर दोनों पक्ष एग्री कर रहे हैं तो क्यों ना इसको बातचीत से सुलझा लिया जाए। मैं पहले भी बोलता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ये सब कॉन्सेप्ट जो है मीडिया में केवल थ्रिल करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए है। इतने आसानी से थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होना होता था तो सीरिया में अमेरिका और रसा दोनों जानी दुश्मन है, लेकिन पूरे सीरिया के वॉर में आप देखो एक भी मिसाइल गलती से ना रशिया की अमेरिका की तरफ गया है ना अमेरिका का रशिया की तरफ। आप जानते हैं, सारे देश जानते हैं कि जिस तरह से दो वॉर हुए थे उसमें बड़ा नुकसान दुनिया भर का हुआ था। अब कोई भी देश जो है उसमें नहीं झोंकना चाहता है खुद की सेना को या खुद को। नहीं, ये फैक्ट है, देखिए इवन अमेरिका भी उसको नहीं जो है, एक वॉर लड़ने का जो एक्सपेंस होता है किसी भी कंट्री के लिए बहुत होता है। अफगानिस्तान में जो वॉर चल रही थी उसको खत्म करने का जो एक नौबत आई या जो भी एक डिसीजन लिया गया, उसका इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज्यादा अमेरिका के ऊपर हो गया था इराक और ये दो तीन जगह वॉर लड़ने के कारण कि वहां के लोगों ने भी इस चीज की डिमांड शुरू कर दी कि आप हमारे सोल्जर को हर जगह क्यों भेज रहे हो। देखिए जान माल का नुकसान तो होता ही है, इसीलिए अमेरिका बड़े जल्दी से इराक से भी निकला, उसके बाद आप ये देखिए अफगानिस्तान से भी उन्होंने उस चीज को खत्म करके वो निकले। और इनडायरेक्ट वे में अगर नुकसान होता है तो ग्लोबल वॉर होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान होता है। देखिए ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड जो होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी वॉर होता है, अमेरिका की जो ब्लू वाटर नेवी है, ब्लू वाटर नेवी की कैपेसिटी बहुत कम कंट्रीज के पास है, इवन इंडिया के पास भी नहीं है, तो सबसे पहले जो सी वाटर वेज होते हैं नेवीज उनको ब्लॉकेट करती है कि कोई भी ट्रेड ना हो, कोई भी वॉरशिप ना गुजर पाए। तो वॉरशिप को जो है चेक करने के लिए जब युद्ध के हालात में नुकसान जरूर होता है, चाहे भले ही वो देश जीते फिर भी उसका नुकसान होता है। लेकिन अगर अमित जी उत्तर कोरिया के हालातों पर देखें, या ये सवाल सीएम पपने जी आपसे है क्योंकि आप उत्तर कोरिया गए भी थे, उत्तर कोरिया में बुनियादी चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी वहाँ पर तरस रहे हैं, परेशान हैं, बुनियादी चीज़ें वहाँ पर है नहीं, ऊपर से उत्तर कोरिया जो है परमाणु हथियार लगातार बनाने में आगे बढ़ रहा था, ये उत्तर कोरिया के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होता अगर युद्ध होता। एक तो आपके पास पहले ही अर्थव्यवस्था आपकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, बुनियादी ढांचा आपका बिल्कुल हिला हुआ है, ऊपर से अगर आप युद्ध में चले गए तो देश पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ आशीष जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं जब 1988 में वहाँ नॉर्थ कोरिया गया था तो वहाँ जो है करीब 49 विश्व के देशों ने वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे उस वक्त, और जिसमें अमेरिका भी था। तो है क्या कि उस वक्त हमने वहाँ पर जब हमने शोध कार्य पूरे किए तो वहाँ गरीबी काफ़ी थी, एकदम से बात यह है, लेकिन हमने नॉर्थ कोरिया के लोगों में हमने ये देखा कि वो अपने अपना मेहमानों का जो है इतना मेहनवाजी इतना अच्छा करते थे कि किसी को महसूस नहीं होता था कि एक गरीब देश है। और हुआ क्या कि उसके बाद धीरे धीरे करके जो मैंने जो अभी जो आपका जिक्र किया था, मैंने 1994 का आपसे जो मैंने जिक्र किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके एक्चुअली 94 तक भी उनको ठीक रहा, किम इल सुंग तक बिल्कुल ठीक रहा था, उसके बाद भी धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्था बिगड़नी शुरू हुई। और मुझे याद है कि 1988 में जब वहाँ जा रहे थे उसके बाद दो तीन वर्ष के बाद वहाँ एक यूथ फेस्टिवल पूरा वर्ल्ड का एक होना था वहाँ पे, उनसे बात है उसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही थी। किम जोंग उन के अगर उसके वक्त में कुछ और ज्यादा खराब हो गई बुनियादी चीजें। हाँ बिल्कुल, उसके है यानी कि पूरा ध्यान इनका जो है वो सैन्य पे चला गया, परमाणु हथियारों पर चला गया। है क्या कि धीरे धीरे करके वहाँ की जो अपनी अर्थव्यवस्था है, एक तो दरअसल है क्या कि हमारे जो विश्व की एक जो अपनी रणनीति, जो अर्थव्यवस्था की एक अपनी रणनीति है, जो हमारे विश्व के जो बड़े देश है, जो अपना शक्तिशाली राष्ट्र है, इन्होंने दरअसल है कि जो छोटे राष्ट्र है धीरे धीरे करके इनको घर घर का नहीं छोड़ा है, एक दूसरे बात यह है। तो इन्होंने इस तरीके से उनमें मतलब आपसी संघर्ष और अपना ये पूरा ये अपना करवाए हैं कि मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि करीब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो कि 1950-53 के अंदर अलग हो गए थे एक दूसरे से बात की, उनको एक करने की कोशिश की है क्या कि धीरे धीरे करके आज जब धीरे धीरे करके वो राष्ट्र उत्तर कोरिया इतनी गरीबी की ओर बढ़ गया, और इतनी गरीबी की ओर बढ़ गया जो आज ये पूरा जो समझौता हो रहा है परमाणु निरस्त्रीकरण का, इसके पीछे मुख्य रूप से वहां की गरीबी है क्या कि वो राष्ट्र इतना गरीब हो गया था कि उसके बाद इतना मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। ये भी एक मुख्य मुद्दा है, उसको लेना पड़ा था चीन से यहाँ आने के लिए। बिल्कुल है क्या कि दरअसल
जिन हालातों पर इस वक्त नॉर्थ कोरिया पहुंच गया था वो भी उसकी भी एक अंदर की रणनीति थी कि किसी न किसी रूप में इस तरीके से यह है कि अमेरिका को हम कम से कम इस तरीके से अपना मना ले, इसीलिए उन्होंने अपना जो परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रयास था पहले खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ दुनिया भर का हम जिक्र कर रहे हैं उन लोगों के लिए, दुनिया भर के देशों के लिए अच्छा है लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सारा पैसा उत्तर कोरिया का या जो भी कमाई होती है वहाँ पर वो सब परमाणु हथियारों में लगा रहे थे। वहाँ के लोग बुनियादी चीज़ों को तरस रहे हैं, स्कूलों की हालत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ खाने पीने को लेकर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग वहाँ पर परेशान हैं। कम से कम अब उस पर ध्यान देंगे ये। बिल्कुल दखल है अमित जी, बिल्कुल ये बात सही है कि उत्तर कोरिया की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। अभी मीडिया की खबरों में भी आया कि किम जोंग के पास होटल के पैसे नहीं है या उसको प्लेन चाइना से लेना पड़ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं वहाँ के जो नागरिक हैं, चूँकि वहाँ तानाशाही शासन है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ की जो मीडिया है उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है ख़ासतौर से पश्चिम की जो मीडिया है वो जिस तरह की खबरें बता देती है उत्तरी कोरिया के बारे में वही सब सामने आता है। मगर ये सच है कि उत्तर कोरिया की जो हालात हैं वो बेहद ख़राब हैं, आर्थिक तंगी से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। मगर चूंकि युद्ध जैसे हालात हर वक्त वहाँ बने रहते हैं तो वहाँ की जो जनता है वो उसको राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण पत्र वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या जो तानाशाह हैं किम जोंग वो वहाँ ये पाठ पढ़ाते रहते हैं। वहाँ के टीवी में भी वही चलता है जो वहाँ के तानाशाह चाहते हैं। और बात करें अमेरिका की तो जैसा मिश्रा जी ने कहा कि अमेरिका अपना हित सबसे पहले चाहता है, सबसे पहले अमेरिकी का हित चाहता है। और जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में जंग चल रही है वहाँ वहाँ पूरी दुनिया में चाहे इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, सीरिया की बात करें, अमेरिका का ही हथियार, अमेरिका का ही वेपन पूरी दुनिया में बिक रहा है। अमेरिका शांति की बातें, आज की बैठक में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम शांति का संदेश देना चाहते हैं, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। पूरी दुनिया में युद्ध का सबसे बड़ा साजो सामान का जो बाजार है, सबसे बड़ा जो विक्रेता है वो आज भी अमेरिका है। अमेरिका अपने हितों के अनुसार ही किसी मीटिंग को या किसी युद्ध को अंजाम देता है। और ये भी उसकी एक ये बात सही है कि उत्तर कोरिया मजबूर है, मगर कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं वो भी डरे हुए हैं। वो कारोबारी मिजाज के राष्ट्रपति हैं, जानते हैं सब चीज़ें कि क्या सीएम पपने जी जो आज उत्तर कोरिया यहाँ तक पहुँच गया, परमाणु हथियार उनने बना लिए, क्या इसके पीछे एक शह चीन की भी है? जब भी कोई बात होती चीन उसको शह दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर कोरिया को है क्या कि जब मैं 1988 में वहां गया था तो मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान और चीन उसके बहुत करीब थे। वहाँ उस वक्त जो है जिस तरीके से भी वहाँ का पूरा माहौल था, जिस तरीके से वहाँ का पूरा उनकी मतलब अपना माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। महमूद आलम जी विदेश मामले के जानकार है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है महमूद आलम जी, किस तरह से आप ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात को देख रहे हैं? देखिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ कि इसे हिस्टोरिक बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि देखिए अभी लेट्स वेट एंड वॉच। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई भी वार्ता होती है हम उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें वापस का कर लेते हैं, जबकि हमें रियलिस्टिक उसमें देखना होगा कि देखिए यही ट्रंप है जिन्होंने एक साल पहले जो है इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का खिताब दिया था इसको जो है जी। और यही बोलते थे कि ये तानाशाह है, और आज बोला जा रहा है कि तानाशाह के साथ हमारी फंटास्टिक रिलेशनशिप होगी। तो इस वजह से, और देखिए उत्तर कोरिया जो है पिछले कितने सालों से जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगा हुआ है, तो और उसके अलावा अगर आप ये देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कोई जो है वो तफसील नहीं दी गई है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ दूसरों की तरह और उम्मीद करता हूँ कि कोरियन पेनिनसुला में और पूरे देश पूरे वर्ल्ड में जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी जटिल समस्या है, बड़ा मुश्किल होगा। अमेरिका कहता है कि क्या जो समझौते हुए कि परमाणु कार्यक्रम को खत्म करेंगे, निरस्त्रीकरण करेंगे, क्या इस पर किम जोंग उन क्या कायम रहेंगे जो बातचीत हुई है? देखिए कहा तो ये जा रहा है कि अमरीका ने उनको स्पेशल सिक्योरिटी गारंटी देने का वादा किया है। हाँ, वो भरोसा करेंगे उनके वायदे का? आप देखिए ये बड़ा मुश्किल है, मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि मैं हिचकिचा रहा हूँ कि इसे हिस्टोरिकल समिट बोलूं या ना बोलूं। हाँ। क्योंकि ये उनका जो है पिछले कितने सालों से जो है उन्होंने इसमें जो है अपना जो है साइंटिस्ट और रुपया पैसा सब कुछ लगाया हुआ है, लेकिन लेकिन फिर भी देखिए हम इस बात का जो है क्योंकि इंडिया हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, हम प्यार और मोहब्बत में बिलीव करते हैं। अगर आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें उसकी भी तो हम तो इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन ये
ये बड़ी जटिल समस्या है और इसमें बड़ा टाइम लगेगा। इसको मॉनिटरिंग कैसे होगी, डी न्यूक्लियराइजेशन की बात हो रही है, क्या मैकेनिज्म होगा? लेकिन महमूद आलम जी क्या ये एक बैठक से काम नहीं चलेगा? लगातार अगर दोनों देशों के प्रमुख के बीच में आए दिन बैठकें होती रहें, दोनों का विश्वास भी बने एक दूसरे के ऊपर कि अगर अमेरिका सुरक्षा को लेकर कह रहा है तो हाँ वो उस बात पर कायम है, और अमेरिका को लेकर हाँ अगर परमाणु कार्यक्रम रोकने की या फिर खत्म करने की बात कर रहा है तो वो उस पर कायम है, क्या इसके लिए और मुलाकातें होना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए मुलाकातें भी होना जरूरी है और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। हाँ। इसमें बिल्कुल जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना होगा, गिव एंड टेक की बात होगी, तभी जो है ये समस्या आगे बढ़ पाएगी। और इसमें देखिए ऐसा है कि इसमें जो है मैं जो हूँ क्रेडिट देना चाहूंगा साउथ कोरिया को और उसके साथ जापान और उसके साथ चीन को भी। देखिए एक बात ये मान के चलिए आप कि उत्तर कोरिया चीन के बगैर कुछ नहीं कर सकता। चीन का आज भी लोग माने या ना माने ये जो बातचीत हुई है इसमें, अच्छा देखिए उसके अलावा एक और जटिल समस्या ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पे आपके रशिया चाइना और नॉर्थ कोरिया वो ये चाहते हैं कि साहब वो जब डी न्यूक्लियराइजेशन की बात हो रही है तो वो ये भी ये चाहते हैं कि इस कोरियन पेनिनसुला से अमरीका भी निकले। अच्छा, अमरीका भी यहाँ से छोड़ के जाए, जो जापान में और साउथ कोरिया में उनके फौजी अड्डे हैं और कितनी उनकी फौज है, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हम इस बात का स्वागत करते हैं लेकिन ये एक बड़ी जटिल समस्या है और इसमें बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है एंड लेट्स वेट एंड वॉच किस तरीके से ये आगे। बिल्कुल, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, इसको समझे महसूस करें उसके बाद फिर नतीजे पर पहुंचे। लेकिन महमूद आलम जी, चीन क्योंकि उत्तर कोरिया के काफी ज्यादा करीब है, अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात से पहले किम जोंग का चीन में जाना, वहां से उनको प्रमुख से मुलाकात करना, क्या ये इस मुलाकात के पहले की मुलाकात जब चीन के प्रमुख से होती है क्या वहां पर बिसात पूरी बिछ रही थी, उसका क्या रोल कुछ देख रहे हैं आप? मैंने तो आपको बोला ना कि मैं क्रेडिट जो हूँ इस बातचीत का साउथ कोरिया, चीन और जापान तीनों को ही देता हूँ। उसके अलावा देखिए एक चीज और मैं बताऊँ आपको, जो है एक बड़ी विचित्र चीज मैं देख रहा था कि हम लोग इस बात को बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, समिट को बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं, लेकिन दूसरे अगर आप अमेरिकन मीडिया को फॉलो कीजिए तो वहां पे जो है इतनी उत्सुकता नहीं है, बल्कि जिस तरीके से G7 समिट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने ट्रंप ने जो है उल्टी सीधी बातें की हैं, या जिस तरीके से जर्मनी और फ्रांस और जिस तरीके से इंग्लैंड, तो वहां पे उस बात को लेके बहुत ज्यादा गम होता है कि जो ये बुश का ट्रंप का जो है ये इनएक्सपीरियंस शो करता है कि जो उनके एलाइज है उनको वो किस तरीके से नाराज कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और ये यूएस जो मीडिया है उसमें देख रहे थे कि एक तरीके से ये दिखाया जा रहा था कि जो है इसमें यूएस विनर है, ट्रंप विनर है और वो उन्होंने जो है नॉर्थ कोरिया को पिछाड़ दिया, दिस एंड दैट, तो इसमें भी ऑल पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा, क्योंकि देखिए यूएसए में जो है ट्रंप की जो इनएक्सपीरियंस है और जिस तरीके से वो ट्रेड वॉर उन्होंने वर्ल्ड के साथ छेड़ दी है तो वहां पे उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो अभी देखिए चंद दिनों पहले ही वो बोल रहे थे कि शायद सबमिट ना हो, फिर वो सबमिट हो गई, तो इसमें भी एक कैलकुलेटेड रिस्क एंड और एक ये पार्ट हो सकता है कि स्ट्रेटेजी चेंज करने का, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने का, बट ओवरऑल ये एक अच्छी बिगनिंग है। चलिए महमूद आलम जी वक्त की कमी है, हम जानना चाहेंगे क्या जो मुलाकात हुई है सारे देश दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन क्या कहीं कुछ ऐसा दिख रहा कि भारत के लिए भी, हाँ हम भी देखें कि भारत के लिए भी कुछ सकारात्मक है? देखिए भारत के लिए तो सकारात्मक यही है कि हमने तो देखिए आपको बताया हम लोग जो है बिल्कुल जो है नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं और शांति वाले हम लोग हैं, हम तो चाहते हैं हर तरफ प्यार और मोहब्बत, अमन चैन सुकून फैले, तो डेफिनेटली अगर ये कोरियन पेनिनसुला, और देखिए हमारे तो हमेशा सबसे ही अच्छे रिलेशन रहे, क्या वो नॉर्थ कोरिया हो क्या साउथ कोरिया हो, हम तो सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, जब पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो ओवरऑल दुनिया को उसका फायदा मिलेगा, उसके साथ ही भारत को भी फायदा मिलेगा, उम्मीद यही की जा रही है, सकारात्मक भारत की तरफ से यही सोच है कि दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई है उसका अच्छा असर हो,
दोनों कम से कम एक एक कदम जो है वो पीछे हटे, किम जो है परमाणु हथियार जो है आगे कार्यक्रम ना करें और जो है उसको खत्म करें। महमूद आलम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। के मिश्रा जी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले अमित जी सवाल यह है कि क्या जो मुलाकात हुई उसकी विसात क्या चीन में लगाई गई है, बिछाई गई है? देखिए उत्तर कोरिया के जो हालात हैं, ऐसे हालातों में उत्तर कोरिया जिस तरह से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जिस तरह से अमेरिका को लगातार खुलेआम चुनौती देता था, जिस तरह से वहाँ परमाणु परीक्षण करता था और लगातार वहाँ मिसाइल टेस्टिंग सेंटर की स्थापना कर रहा था और मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा था, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि चीन जैसा ताकतवर देश उसके साथ था। कहीं ना कहीं जापान मुलाकात से पहले भी चीन में गए थे, वो चीन गए थे बिल्कुल, चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात करने गए थे, इजाजत लेने गए थे कि ट्रंप से मिले या ना मिले, दोनों बातें हो सकती हैं। बात देखिए मैं आपको बताऊं कि आधी दुनिया के लोग कहते हैं कि अमेरिका तानाशाह है, आधी दुनिया कहती है कि किम तानाशाह है, तो अभी तो यही फैसला नहीं है कि तानाशाह कौन है। कहते हैं कि फिर दोनों तानाशाह हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते थे कि किम तानाशाह हैं, वो पूरी दुनिया में आतंक को बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आज वो कह रहे हैं किम एक बेहतरीन इंसान है, होनहार है और बहादुर है। ऐसा फैसला एक बहादुर आदमी ले सकता है। और एक उन्होंने उनके लिए एक शब्द यूज किया कि वो बड़े टैलेंटेड राष्ट्रपति हैं। तो आज वो राष्ट्रपति हो गए, कल तक वो तानाशाह थे। तो ये दोनों ही अगर आज बातचीत की मेज पर बैठ गए हैं और इनके बीच कोई समझौता हुआ है तो ये बिल्कुल उस तरह का समझौता है कि जब बाढ़ आती है तो सांप और छछुंदर एक दूसरे को बचाने के लिए दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरा बने हुए थे। अमेरिका के व्यापारिक हित पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जब भी किम कोई हरकत करते थे, कोई परमाणु परीक्षण करते थे, अमेरिका की नज़र चाइना पे जाती थी। तो ये बात सही है, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या किम वहाँ इजाज़त लेने गए थे या बातचीत की जमीन तैयार करने गए थे। बिल्कुल इस सब के पीछे चाइना है। यदि आज अमेरिका के आगे कोई चुनौती है पूरी दुनिया में तो वो चाइना है और चाइना के मित्र देश, ये छोटे छोटे देश, मसलन उत्तरी कोरिया की बात करें या जापान की बात करें या रशिया की बात करें या जो अमेरिका के ने पूरी दुनिया में अपने दुश्मन पैदा किए हैं, वो चाहे इराक की बात करें, फलस्तीन की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और सीरिया की बात करें, सब चीन के दुश्मन, तमाम जगह अमेरिका ने अपने दुश्मन पैदा किए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपतियों को इसकी जो खामियाजा भुगतना पड़ता है जब भी वो दौरे पर जाते हैं, कहीं उन पर जूता उछाला जाता है, कहीं उनका जो है सम्मान की जगह उनका अपमान होता है। अभी बराक ओबामा सऊदी अरब गए, वहाँ उनकी जो पत्नी थी उनके साथ मिशेल, तो उनके साथ वहाँ मीडिया कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, टीवी पर उनकी तस्वीरें नहीं चलाई और तमाम इस तरह की बातें हैं कि तमाम मुल्कों को जो दो धड़ों में बटे हुए हैं पूरी दुनिया के, वो अमेरिका को तानाशाह कह रहे हैं। तो ये आज कहना बिल्कुल जायज होगा कि दो तानाशाहों ने मजबूरी में। चलिए ए के मिश्रा जी, जो आज तारीफी भूरी भूरी कर रहे थे, जो ट्रंप तारीफी कर रहे हैं किम की, जो कल तक जो है दुनिया के लिए खतरा जिसको बता रहे थे, आज उसमें अच्छाई दिख रही है, क्या आगे आपको लगता है कि ट्रंप इसी तरह से उनकी तारीफी करते रहेंगे या फिर पासा पलट भी सकता है? नहीं नहीं देखिए आप, मैं आसिफ नहीं, मेरा मतलब यह है कि संबंध खराब फिर से हो जाए आसिफ, मैं या सकारात्मक में वास्तव में बढ़ गई है आसिफ। देखिए जो एक मीडिया के प्रभाव में ना आते हुए जो आंख पे पर्दा जो पड़ा हुआ है अमेरिका के नेचर को, आप अभी नहीं 100 साल से आप देखिए, अमेरिका ने कई जगह संधियां की जो उसके मित्र थे, बाद में उससे उन्होंने लड़ाई की, जिनसे उन्होंने लड़ाई की बाद में अमेरिका उनका मित्र हो गया। आप ताजा एग्जांपल देखिए, 20-25 साल 30 साल तक अमेरिका और पाकिस्तान एकदम गलबैया डाले हुए जो है मित्र थे, लेकिन आज जब अमेरिका का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरा हो गया तो अमेरिका उनको बोल रहा है कि भाई आप तो टेररिस्ट देश हो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पाकिस्तान टेररिस्ट देश नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अमेरिका का जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है अपनी बिजनेस का, अपनी इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया में वो जो भी डिसीजन लेता है, कहीं पे अगर वो संधि करता है, वार्ता करता है, अटैक करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी होती है। कई जगह ऐसा भी होता है कि जानबूझ करके जबरदस्ती ये चीजें अमेरिका करता है अपने जो है मुफीद को, अपने हितों को साधने के लिए। इसका सबसे सही एग्जाम्पल है
कि इराक में इन्होंने बोला कि मास जो है रिस्ट्रिक्शन थे, इन लोगों के पास हथियार हैं, सब कुछ हो जाने के बाद वो निकला नहीं, पता नहीं आज तक कोई प्रूफ कर पाया कि नहीं कर पाया, कौन गलत है कौन सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अमेरिका का ये देखिए, अगर कोई ये बोले कि जी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई इन दोनों में, कहीं कोई ऐसी दोस्ती मुझे नहीं लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में हो गया। उसका रीजन है आइडियोलॉजिकल, देखिए दोनों दोनों देश आइडियोलॉजिकल टोटली डिफरेंट है। अमेरिका जो है पूंजीवाद में जो है विश्वास करता है, और नॉर्थ कोरिया आप देखिए तो वो कम्युनिज्म और इन सब चीजों में विश्वास करता है। हिस्टोरिकल वे में देखें तो नॉर्थ कोरिया के जो दोस्त रहे हैं वो हमेशा से यूएसएसआर और चाइना रहे हैं, अमेरिका की जो लॉबिंग है वो दूसरे देशों के साथ है, और इन सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं चाइना का एक बहुत जबरदस्त रोल है। चाइना भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उसने ये प्रेशर डाला था, नॉर्थ कोरिया को कन्विंस किया था कि अब आप इस लेवल पे आइए, तब जाके नॉर्थ कोरिया ये वहाँ पे एग्री हुआ, कोई परमाणु हथियार नॉर्थ कोरिया ना खत्म करने वाला है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ऊँट किस पल किस करवट बदल जाएगा। इसी 4-6 महीने में जब बात चली थी, आप देखिए 4-5 बार दोनों देशों के स्टेटमेंट और स्थितियां बदली, कभी मिल रहे हैं कभी कैंसिल हो गया जी, लेकिन जल्दी सामने आ जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत डाइजेस्ट सिचुएशन है, अभी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। और ये देखिए दोनों एक चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल की तरह है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया, तो दोनों का मिलना जो है मुझे लगता है ना ये मतलब एकदम अपोजिट ध्रुव वाले हैं, बिल्कुल मिजाज दोनों का अलग है, एकदम कैसे चेंज हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे। मुझे ये मतलब की दोस्ती और मतलब की मीटिंग लगती है, जहां पे दोनों अपने अपने मतलब को अब साध रहे हैं। आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो ये जेलअप नहीं हो पाएंगे, रशिया के साथ तो आज तक ये जेलअप हो नहीं पाए हैं, तो फिर आप इनके साथ कैसे, वो चाइना के साथ ये जेलअप नहीं। ये है कि ठीक है आज जो वॉर का नेचर है आसिफ वो बदल गया है, तो ऐसा भी हो सकता है मुलाकात सिर्फ मुलाकात तक रह जाए। नहीं, मुलाकात तो मुलाकात होती रहेंगी सर, बहुत मुलाकात तक ही रह जाए, जो बातचीत हुई वो वही रह जाए। आइडियोलॉजिकली मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा इनमें डेवलपमेंट होगा जब तक आइडियोलॉजी नहीं चेंज होगी। लेकिन एके मिश्रा जी, दूसरी तरफ देखिए कि किम जोंग उन कहते हैं कि अब मैं बस सारी चीजें पीछे छोड़कर आया हूँ, बदलते हालात के हिसाब से मैं खुद को बदल रहा हूँ, देश को बदल रहा हूँ। ये आप देखिए, हो सकता है उनके दिमाग में आया हो कि बदलने की जरूरत है, बाकी देश देखिए कहां से कहां पहुंच गए। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर इकोनॉमिक पैरामीटर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, अभी तक जो देखिए सबसे बड़ा किसी भी कंट्री की जो चिंता होती है वो सेल्फ डिफेंस की चिंता होती है। मैं आपको बता दूं, चाहे अमेरिका हो चाहे मतलब कोई भी देश हो सकता है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने अपने सेल्फ डिफेंस और अपने डिटरेंस को डेवलप कर लिया हो, वो फील कर रहे हो अलॉन्ग विद देयर एलाइज। हो सकता है चाइना ने भी बोला हो कि भाई चलो अभी आप बंद करो, बाकी अगर कभी कुछ होगा तो हम बैठे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, इन सब चीजों के लिए। और व्यापारिक हित आप देखिए, चाइना और नॉर्थ कोरिया इतने दिन तक क्यों बात नहीं हुई, क्योंकि चाइना ने जब तक टांग अड़ा के रखा हुआ था, चाइना का बहुत ज्यादा व्यापारिक हित जो है, बहुत ज्यादा बिजनेस फैला हुआ है, तो चाइना ने भी इनको कहीं ना कहीं सांत्वना या परोक्ष रूप से सपोर्ट दिया है कि अब आप इस लेवल पे आके बात करिए, और बात करने के बाद आपने डिटरेंस डेवलप कर लिया, सब कुछ हो गया है, आप बिजनेस वगैरह बढ़ाइए। देखिए नॉर्थ कोरिया में क्या है, लोग खाए बिना मर रहे हैं क्या नहीं है वो, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, मानवीय मुद्दे पे देखा जाए तो वो एक गलत चीज है, लेकिन अगर कोई उसमें सुखी है और अपनी प्रायोरिटी एटम बम बनाने में रखता है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, आप मेरे को ये बताइए ना। बिल्कुल सीएम पपने जी, क्या अब दिख रहा है किम जोंग उनको कि बदलते हालात में खुद भी अपने आप को बदल लो, नहीं तो हम इतना पिछड़ गए हैं आगे और भी ज्यादा पिछड़ जाएंगे और आने वाली पीढ़ी उत्तर कोरिया की माफ नहीं करेगी। आसिफ जी, है क्या कि जो आज ये अपना बातचीत हुई है इसमें कुछ ऐसी बातें भी है जो कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ गुप्त समझौते हुए हैं, और वो गुप्त समझौतों के बाद जिस तरीके से उन दोनों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब विश्व कुछ बदलाव देखेगा, तो है क्या कि वो जो गुप्त समझौते वो क्या है, जिसका खुलासा एक्चुअली बाद में होगा, जिस तरीके से हमारे मिश्रा जी ने अभी अपनी बातचीत रखी है वो अच्छी बातचीत रखी है, लेकिन इसके पीछे के जो एक्चुअली जो पर्दे के पीछे का जो गेम होगा वो अब यहाँ से शुरू होगा कि एक्चुअली जो पूरी रणनीति है वो किस तरीके से है, या ट्रंप अपना गेम खेल रहा है जिस तरह आपने कहा कि जो परमाणु निरस्त्रीकरण का मामला है ये एजेंडा रहेगा, कहीं कोई कुछ नहीं होगा, सब ऐसे वो वैसे रहना है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ। दरअसल है क्या कि अगर किसी देश को अगर तरक्की करनी है, अगर उसको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करना है, तो उसको कहीं ना कहीं
आपने जो अपने जो ऐसे राष्ट्र जो कि अपने विश्व में इस वक्त छाए हुए हैं जो उनको मदद करते हैं है? जिस तरीके अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा था, पाकिस्तान को खेल खेल रहा था एक दूसरे बात यह है, और आज नॉर्थ कोरिया ऐसी हालात में है कि वो चाहता है कि अमेरिका उसको मदद करे तो है क्या कि मैं तो ये समझता हूं कि जो गुप्त समझौता आज वहां पर हुआ है इसका खुलासा जिस तरीके से दोनों ने किया है, ट्रंप ने भी किया है और किम जोंग भी किया है कि भाई आप देखो विश्व बदलाव देखेगा, ये एक देखने वाली बात है। चलिए देखने वाली बात है कि क्या जो बातचीत हुई है उसका सकारात्मक असर पड़ेगा, क्या बैठक में जो समझौते हुए जो हस्ताक्षर हुए हैं क्या उस पर दोनों देश कायम रहेंगे या फिर बैठक बैठक तक सिमट कर रह जाएगी। मुद्दा बात दो बड़े नेताओं की मुलाकात की है, किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात सिंगापुर में हुई। दुनिया भर की नज़रें उस पर टिकी थी क्योंकि दुनिया भर की राजनीति उस मुलाकात के बाद तय होना थी, लेकिन सकारात्मक रही। बैठक के बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आए, इससे साफ दिख रहा था कि बैठक सकारात्मक हुई। और जो बयान दोनों नेताओं ने दिए, कहा कि हम अब आगे की दिशा में, शांति की दिशा में बढ़ रहे हैं। किम जोंग उन ने कहा कि वो सारी चीज़ें अतीत में छोड़कर आ गए, अब आगे बढ़ चुके हैं, परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे और जो हथियार हैं उसको ख़त्म करने की बात भी करते नजर आए। तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एके मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, सीएम पपना जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अमित शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी, दुनिया भर की नज़र इस बैठक पर लगी थी, आपको क्या लग रहा है, क्या दुनिया विश्वास कर रही है इस बैठक के ऊपर, क्या सकारात्मक दिशा में ये बैठक खत्म हुई है, क्या आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी, और क्या ट्रंप के साथ मुलाकात हो गई, क्या समस्या का समाधान हो गया, क्या चीन अब जो है उत्तर कोरिया को क्या लगता नहीं है कि जो दोनों देशों के बीच में मुलाकात हुई है उस समझौते को मानने देगा, अब चीन चाहेगा कि उसके हिसाब से समझौते हों, उसके हिसाब से उत्तर कोरिया चले। देखिए बिल्कुल सही बात है कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका कभी बहुत आसानी से बातचीत की मेज पर अपने दुश्मन के साथ नहीं आता। इतिहास गवाह है, चाहे बात अफगानिस्तान की रही हो या इराक की रही हो या और तमाम मुल्कों के साथ, जो क्यूबा के राष्ट्रपति रहे फिदेल कास्त्रो उनके साथ कम मसला रहा हो, अमेरिका ने झुकाकर अपनी शर्तों पर ही बातचीत करने की कोशिश की है। हर जगह अमेरिका को अधिकांश जगह पर मुँह की खानी पड़ी है। यहाँ एक समझौता हो गया पूरी दुनिया के लिए, चूंकि ये एक बड़ी समस्या थी इन दोनों के बीच की तनातनी, दोनों महाशक्तियाँ हैं, परमाणु शक्तियों से संपन्न है, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय था, अब दोनों के बीच बातचीत हो गई है, एक समझौता भी उन्होंने पेश किया है कि इस हमारे बीच शांति की राह में आगे बढ़ने के लिए करार हो गया है। मगर सवाल ये है कि उस समझौते के अंदर क्या है, अभी वो चीज़ें सामने आना है। अभी जो किम के जो मित्र देश हैं, जो चाइना है, जहाँ से बातचीत की हरी झंडी हुई है, जिन देशों ने अब तक उत्तरी कोरिया का साथ दिया है, किम का साथ दिया है, जब किम इन जानकारियों को और इन समझौतों को उनके साथ साझा करेंगे, तब इस समझौते पे असली जो काम होना बाकी है, जो अमली जामा पहनाया जाएगा, वो मैं समझता हूँ कि अभी जैसा कि चंद्रमोहन जी ने भी कहा कि कुछ भी कहना अभी चूँकि सब चीज़ रहस्य के अंदर है, रहस्य में जो परत अब खुलेंगे समझौते, क्या क्या समझौते हुए हैं, जैसा कि आपने भी कहा 34 मिनट निजी बातचीत भी हुई, वो बातचीत का एजेंडा क्या था, ये जो समझौते हुए हैं इनका एजेंडा क्या था, दोनों देशों के बीच कितने दिन से ये बातचीत चल रही थी, क्यों अचानक किम चाइना पहुंचे और क्यों इतनी जल्दी अमेरिका के राष्ट्रपति और किम जोंग एकदम एक दूसरे को देख लेने की धमकी के बाद एकदम मेज पे आगे बातचीत की, एकदम समझौता भी हो गया, तो बहुत सारी चीजें अभी रहस्य के दायरे में है। बिल्कुल, लेकिन सीएम पपना जी, जो दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, क्या किम जोंग उन उसको लेकर अब जो है राय मशवरा चीन के साथ करेंगे इसको लेकर, आपको ऐसा लग रहा है या खुद वो फैसला ले लेंगे या पहले ही कर चुके होंगे? दरअसल आखिर जी है क्या कि आज जिस तरीके की पूरी बातचीत चल रही है, तीन मुद्दे तो आप ये समझिए कि बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना जो है हो चुके हैं। वो तीन मुद्दे क्या है, एक तो परमाणु निरस्त्रीकरण का जो मामला है, दूसरा जो दो कोरियन प्रायद्वीप जो है उनमें जो शांति कायम रहे, ये दूसरा मुद्दा है, और तीसरा मुद्दा यह कि प्योंगयांग और अमेरिका जो है करीब आए। तो है क्या कि इन तीन मुद्दों में कहीं भी कोई दोहराई नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अगर कोरिया को
अगर थोड़ा सा अगर आगे अगर एक तरक्की की अगर राह पकड़नी है तो उसको यहाँ से परमाणु निरस्त्रीकरण उसको करना ही पड़ेगा, एकदम से बात यह है। अगर वो चाइना के झांसे में अगर आता है, क्योंकि तो है क्या कि दरअसल विश्व के अंदर जितने बड़े राष्ट्र हैं, ये आप देखिए पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में अटैक करता है वो पूरा जो साजो सामान पूरा हथियार जो है उनमें अगर आप जब उनको पकड़ा जाता है, उनकी पूरी प्रदर्शनी लगाई जाती है हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा, तो सारे चीन के हथियार होते हैं। तो उसी तरीके से अमेरिका के हथियार है, उसी तरीके रशिया के हथियार है, उसी तरीके बाकी है क्या कि जितने मजबूत राष्ट्र हैं इनका अगर यही दायरा है कि उनको हथियारों की अगर सप्लाई करनी है, तो वहां पर नॉर्थ कोरिया ने उनको थोड़ा जवाब दिया था, जो इतने बड़े उसने मिसाइलें तैयार करी और इतनी लंबी मारक की उसने मिसाइलों को जो है अमेरिका को हिला के रख दिया। एक्चुअली बात यह है तो है क्या कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप को ये पता अपने कूटनीति के अंदर इन चीजों को अपना सोच नहीं रहे होंगे। क्या एके मिश्रा जी, अमेरिका चाहता है कि जो काम वो कर रहा है अगर परमाणु हथियारों से वो लैस है तो कोई और ना हो, क्या वो चाहता है कि दुनिया को अपने हिसाब से चलाना? देखिए आसिफ आपका सवाल बड़ा अच्छा है, जरा बड़ा जेन्युइन वे में आप इसको सोचिए। पूरे दुनिया में तीन तरीके के देश हैं, एक डेवलप्ड है जो डेवलप हो चुके हैं, एक डेवलपिंग है, एक अंडर डेवलप्ड है। अब अमेरिका के सामने प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है? अमेरिका के सामने सिर्फ ये एक चैलेंज है वहाँ पे कि उनको डेवलपमेंट की चिंता नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और पूरी दुनिया में उनकी मतलब एक तरीके से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बादशाहत है। तो अमेरिका का चैलेंज और अमेरिका की सारी जद्दोजहद सिर्फ ये है कि हम अपने स्टेटस को मेंटेन रखें। जो हमने आपको अभी पहले बोला, जितने भी वॉर अटैक ट्रीटी वगैरह हो रहे हैं, हर का निचोड़ ये निकलता है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर हर चीजें करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुद्दा केवल और केवल एक है कि किसी भी तरीके से करके कोई ऐसा देश जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, चाहे मिलिट्री के वे में, चाहे टेक्नोलॉजी के वे में, चाहे बिजनेस के वे में, चाहे ग्लोबल आधिपत्य को लेकर के, वो अमेरिका उस चीज को रोकने की कोशिश करता है। और अमेरिका का आधिपत्य तभी तक कायम रहेगा, दो तरीके से कायम रहेगा, एक तो वो खुद भी डेवलप करता जाए और दूसरा जो डेवलप कर रहे हैं वो उनको रोके। भाई वो चाहे एटॉमिक हथियार ही क्यों ना हो, चाहे देखिए भारत ने जब क्रायोजेनिक इंजन की मांग की तो अमेरिका ने नहीं दिया, सुपर कंप्यूटर नहीं दिया। तो कभी भी अमेरिका या ये महाशक्तियां नहीं चाहती हैं कि कोई दूसरा देश टेक्नोलॉजी, रुपए, पैसे, इकोनॉमी में उनके बराबर वो आ जाए। तो अमेरिका की सारी जद्दोजहद ये है कि हम दुनिया पे अपना आधिपत्य मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मिलिट्री वे में, टेक्नोलॉजी के वे में कायम रखें। और उसकी सारी एक्सरसाइज केवल और केवल इस चीज के लिए रहती है कि जो कोई भी कॉम्पिटिटर बन के उभर रहा है, कॉम्पिटिशन में आ रहा है, उसको निप इन द बड, यानी बड़ा होने पहले ही खत्म। अमेरिका की इस नीयत को हर कोई जानता है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सभी मेहमानों का खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जो मुलाकात हुई है उसका क्या असर होगा, अगर ये कहा जाए कि सकारात्मक असर होगा, किम जोंग उन मान लेंगे अमेरिका की शर्तों को, तो शायद जल्दबाजी होगी, अभी थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन बैठक जरूर सकारात्मक दिशा में खत्म हुई, ये बात कही जा सकती है। खास कार्यक्रम में इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV100। नमस्कार।